नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस नई वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि अगर दोस्तों आपने उत्तर प्रदेश जो लेखपाल की जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें दोस्तों आपने अपना जो ऑनलाइन फॉर्म फिल कर दिया है यूपी उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर, तो दोस्तों अगर आपके उस फॉर्म में उत्तर प्रदेश लेखपाल के फॉर्म में अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या या फिर किसी प्रकार का कोई भी चेंज करना है, किसी प्रकार का कोई संशोधन करेक्शन वगैरह करना है, तो आप किस प्रकार से उस फॉर्म को मॉडिफाई कर सकते हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में आपको स्टेप बाय देने वाला हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि क्या क्या आप उस फॉर्म में ऑनलाइन मॉडिफाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, इससे आने वाली नोटिफिकेशन और नई जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और दोस्तों उसमें आपको टाइप करना है up-SC.gov.in। तो मैं यहाँ पर दोस्तों टाइप करके सर्च कर देता हूँ। सर्च करने के बाद दोस्तों आपके सामने उसकी मुख्य वेबसाइट है इस तरह से आपके सामने खुलकर आ जाएगी। अब दोस्तों आपको इस वाले ऑप्शन पर आ जाना है। जैसे आप इसमें आएंगे तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एप्लीकेंट डैशबोर्ड लॉगिन थ्रू PET वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, क्योंकि दोस्तों ये जो फॉर्म है उत्तर प्रदेश लेखपाल के, ये दोस्तों PET के बेस पे दोस्तों यहाँ पर लॉगिन हो रहे हैं और उसी के थ्रू दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन हो रहे हैं। तो आपको डायरेक्ट PET के डैशबोर्ड पर पहुँचाना है। दोस्तों आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के दोस्तों आपको PET का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और दोस्तों उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और दोस्तों आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं या नहीं, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर देना। आपको अपनी कैटेगरी चूज करना है और ये जो कैप्चा दिया हुआ है तो दोस्तों आपको एक कैप्चर्स वाले बॉक्स में फिल करना है और दोस्तों आपको क्लिक हेयर टू प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अगर दोस्तों आपको PET की रजिस्ट्रेशन नंबर और दोस्तों जो आपको डिटेल है अगर उपलब्ध नहीं है तो आप यहाँ पर गो बैक वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे आएंगे एप्लीकेंट सेगमेंट वाले ऑप्शन में, तो आपको यहाँ पर मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको PET का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से भी आप डालकर लॉगिन हो सकते हैं। तो आपको आप जहाँ से भी लॉगिन करेंगे सेम डैशबोर्ड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर डिटेल फिल कर देता हूँ, उसके बाद क्लिक हेयर टू प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर PET की जो डिटेल है यहाँ पर फिल कर ली, PET का रजिस्ट्रेशन नंबर पैट का और दोस्तों यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और यहाँ पर दोस्तों उत्तर प्रदेश के निवासी हैं नहीं, ये मैंने यहाँ पर और कैटेगरी सेलेक्ट कर ली और जो कैप्चा दिया है मैंने यहाँ पर फिल कर लिया है। अब मैं दोस्तों यहाँ पर क्लिक हेयर टू प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे आप लॉग इन हो जाएंगे फॉर्म में तो आपको यहाँ पर अपना जो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, कैंडिडेट का नाम, PET की सारी डिटेल आपको ऊपर डैशबोर्ड में मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों जो आपने अभी लेखपाल का फॉर्म ऑनलाइन किया था वो आपको यहाँ पर सीरियल नंबर 1 में आपको यहाँ पर मिल जाएगा, एडवर्टाइजमेंट नंबर 01 एग्जाम 2022 के यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर मिल जाएगा और लेखपाल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आपने फॉर्म कम्प्लीट फिल कर दिया है, अदर डिटेल भी फिल कर दी, फीस डिपॉजिट भी फिल कर दी है और एप्लीकेशन फाइनल सबमिट भी कर दिया है। लेकिन दोस्तों अगर आपको अपना मॉडिफाई यानी किसी प्रकार का कोई उसमें चेंजेस करेक्शन करना है तो आपको इस मॉडिफाई एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों जब यहाँ पर आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, उसके बाद आपने जो बैंक में ट्रांजेक्शन थे फीस जमा की थी डिपॉजिट की थी वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आपका नाम, अगर आप नाम चेंज करना चाहते हैं नाम चेंज कर सकते हैं, पिता का नाम चेंज करना चाहते हैं पिता का नाम चेंज कर सकते हैं, मेल जेंडर फीमेल वगैरह चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर दोस्तों जो डिटेल आपको OBC कैटेगरी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, फ्रीडम फाइटर वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं और दोस्तों यहाँ पर आप डिटेल इंटर की आप जो आपने डिटेल फिल की थी वो आपको यहाँ पर चेंज करने को मिल जाएगा, वो आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपने जो एज प्रूफ में और दोस्तों एड्रेस प्रूफ और दोस्तों यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र के तौर पर जो चीज़ें लगाई थी वो आप यहाँ से अपडेट दोबारा से भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश लेखपाल में आपसे जो 10+2 यानी इंटर की जो डिटेल मांगी गई थी वो भी आप अभी यहाँ से चेंज कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से अपना एड्रेस भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर एड्रेस चेंज करने का भी ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर ओपन हो चुका है और यहाँ से दोस्तों फोटो सिग्नेचर आप यहाँ पर चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फोटो सिग्नेचर आपको चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिल पाएगा। जब आप किसी प्रकार के कोई चेंजेस यहाँ पर कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर दोस्तों जो कैप्चा दिया गया है ये कैप्चा आपको यहाँ पर फिल करना है और दोस्तों सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इसमें से कोई भी चेंजेस वगैरह करना चाहते हैं तो आप यहां से चेंज कर सकते हैं। मैं दोस्तों यहां पर अभी कुछ चेंज नहीं करना चाहता, क्योंकि दोस्तों मैंने यहां पर आपको सारी डिटेल बताई है कि आप किस प्रकार से ऑनलाइन चेंज कर सकते हैं, कोई भी संशोधन वगैरह है आप यहां से ऑनलाइन कर सकते अभी
करेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जब लास्ट डेट एक्सपायर हो जाएगी उसके बाद दोस्तों आप इसमें कोई भी किसी प्रकार का चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस मॉडिफाई एप्लीकेशन फॉर्म को, अगर आपसे किसी प्रकार की कोई मिस्टेक हो गई है तो आप अभी इसमें चेंज कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी दोस्तों आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन और लेखपाल से संबंधित कोई भी जानकारी आए तो दोस्तों आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।